relax. No, no, this is India. You should say akur. Akur. Chal, Batamir. Oh, yeah. Oh, sorry, ye sab no. In the big box, they were no, all saying that. They're good people, they're good people. No, don't tell them Batamir. Sorry. Ready, guys. Anji. जो हम चाहते थे वही हुआ. Congratulations, Munawir, and obviously well done. I knew he would be the winner. Maruburo, respect. Rinku ma'am, what do you want to say? What I want to say for Munawir's win, that मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने बहुत सपोर्ट रहा हाँ जी Munawir के लिए पहले से ही मैंने हमेशा ये कहा कि Munawir और अभिषेक टॉप टू में आएंगे एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जैसे जैसे मैं ये पाँच से चार चार से तीन तीन से दो पे आए तो वो जिस ऑर्डर में गया आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग. इनफैक्ट तहलका भाई मेरे बाजू में बैठे थे और वो ऐसे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. आई सेड ऐसा ही होगा. आई सेड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग गट फीलिंग फ्रॉम मेनी डेज दैट इट्स गोना हैपन. लाइक हम लोग को ऐसा था ना बिग बॉस ने तो बहुत डंके की चोट में बोला था वो बायस्ड है ये सीजन. तो मैं भी कहीं ना कहीं तो हम भी बायस बन गए. हम लोग भी बायस बिग बॉस ने हमें बायस बना दिया और अच्छा बनाया क्योंकि जो हम चाहते थे. तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुन्ना और अभिषेक से इतनी अच्छी दोस्ती अच्छे लड़के हैं. यू नो गुड पीपल या एंड गुड पीपल कनेक्टेड दैट्स ऑल आई कैन से. एंड अभिषेक आई लव यू आई होप टू सी यू सून. यस आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग. दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं. हर एक की लाइफ में ऊपर नीचे आता है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को जज करना चाहिए. सबको टाइम दो, सबको सब चीज़ समझने दो. दोनों बच्चे मुझे 100% श्योर है कि बहुत कुछ बिग बॉस से सीख के आए हैं और टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होने वाले हैं. मैम आपने मैं क्या बोला चुप रहे बजर मत लगाओ. वेट लॉस बहुत कर लिया. अरे अभी बिग बॉस के घर में लूट के अभी यहाँ खा के वेट आ रहा है वापस. डर लग रहा है अभी. आई नो वापस ऐसे लगता है बिग बॉस डाइटिंग के लिए वापस बुला ले 15 दिन. इट्स वेरी गुड. हम भी कॉम्पिटिशन दे ही सकते हैं ना रिंकू सब लोगों को. आई होप सो. दे सकते हैं. नो नो इट्स वेरी गुड फीलिंग टू बी यू नो बैक विद ऑल द न्यू बिगिनिंग्स इन लाइफ. न्यू एवेन्यूज आर ओपनिंग. बहुत पॉजिटिव. आप लोग सबके का साथ है. And it was very, and to meet Salman Khan was very honor as well, to be honest. That was amazing. वो तो एक dream come true था. सलमान सर से interaction जो भी हुआ बहुत अमेजिंग. मैंने बोला था जिस दिन मैं अंदर गई एक time था 10th के exam pass करके हम लोग मैंने प्यार किया है पिक्चर देखने के लिए. वहाँ से जब मैं निकली तभी वो बागी के लिए शूट कर रहे थे. वो दिन ऐसे ही बाई स्टैंडर्ड के साथ देखा और स्टेज उन पे उनके साथ खड़ा रहना. तो ये फैन मूवमेंट वाली बात थी. यस बहुत अच्छा लगा. अरबाज सर से सोहेल सर से मिल के बहुत. मैंने तो अरबाज सर को बोल भी दिया कि सो यू आर टू. अच्छा थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है.